यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिरंगा कस्टर्ड शाही ब्रेड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये उसकी सामग्री है। चलिए हम देख लेते हैं। ये 6 ब्रेड लिया है हमने और ये आधा लीटर दूध है। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, घर का हो चाहे मार्केट का हो। ये कस्टर्ड पाउडर है, आराम से मार्केट में मिल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेन खजूर है जिसका बीजा हमने निकाल दिया है। ये 5 से 6 इलायची है। ये ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स है, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये मैंने काजू लिया है, इसमें 2 कटोरी शक्कर लिया है और ये फ्रूट कलर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस में हमने दूध को चढ़ा लिया। हम गैस ऑन कर लेते हैं। दूध में हम उबाल आने देंगे। चलिए फ्रेंड्स, दूध हमारा उबाल आ रहा है, जब तक हम और बाकी के जो सामान है उसे तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये इलायची है, इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे। जो काजू लिए थे उसे भी डाल लेंगे, इसे भी हम डाल लेंगे और इसे 2-3 चम्मच पानी डाल के इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका पेस्ट बना लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कस्टर्ड को खोल लेते हैं। थोड़ा इसमें ठंडा पानी डालेंगे और इसे पेस्ट वैसे बना लेंगे। देखेंगे कि इसमें दाना मत पड़े। देखिए अच्छी तरह से घुल गया है। ये भी हमारा बन गया है। चलिए अब हम ब्रेड के साइड को काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रेड है। ब्रेड को हमने तवे पे हल्का सा ऐसे सेक लिया है। चलिए अब हम इसके साइड का जो लाल वाला भाग होता है इसे निकाल देंगे। सारे ब्रेड का हम ऐसे ही निकाल लेंगे, जो इसका साइड वाला भाग है उसे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे ब्रेड के किनारी काट के निकाल दी है। अब हम इसे बीच से ऐसे 2 कर लेंगे। इसे ऐसे करके रखते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे ब्रेड को हमने ऐसे 2 भागों में कट कर लिया है बीच से। ये देखिए, आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम गैस की ओर चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा कितनी अच्छी तरीके से उबल रहा है। ये अच्छे से पक के गाढ़ा भी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने छुहारा और काजू पीस के रखे थे उसे डाल लेंगे। उसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें जो कस्टर्ड पाउडर घोल के रखे थे उसे भी डाल लेंगे। इसे भी 2 मिनट तक पकाएंगे। हम इसमें शक्कर डाल देंगे। इसे थोड़ा गाढ़ा होते तक के पकने देंगे। गैस की आंच को धीमी रखेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पक गया है, अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है। चलिए अब हम इसे दो कटोरी में तीन अलग अलग निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे तीन कटोरी में निकाल लिया है। अब हम इसमें कलर मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा चम्मच कलर लिया है हमने, अब इसमें मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ग्रीन कलर कितने अच्छे तरह से बन के तैयार हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ऐसे ही ऑरेंज कलर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे भी आधा चम्मच लिए हैं, अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये तीनों कलर बनके तैयार हो गया। चलिए अब हम इसे ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से सेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ब्रेड के स्लाइस ले लिए, अब हम इसे ऐसे इसके ऊपर डालते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे ऐसे डाल लिया है, जो और ब्रेड के स्लाइस है उसे भी ऐसे रख लेंगे। के ऊपर भी अच्छी तरह से इसे फिर से डाल लेंगे। पूरा इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक बन के तैयार हो गया। चलिए अब हम ऑरेंज कलर का ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर भी ऐसे ही पूरा डाल लेंगे। इसे भी ऐसे ही अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तिरंगा कस्टर्ड शाही ब्रेड बनके तैयार है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तिरंगा कस्टर्ड शाही ब्रेड बनके तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।